हेलो गाइस, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। आपका फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। और आज हम आए हुए हैं अपने घर, जहाँ पे मेरी बचपन बीती हुई है, जहाँ पे पढ़े लिखे हर चीज़ किए वहाँ पे। आज के टाइम यहाँ ज़्यादा मतलब नहीं रहते हूँ, मैं कहीं और रहता हूँ। और इस जगह का नाम है हैदरनगर। अभी मैं डाल्टनगंज में रहता हूँ और काफ़ी टाइम यहाँ पर गुजारा हूँ। मैं 10वीं तक सब चीज़ पढ़ाई यहीं से किया हूँ लगभग, फिर थोड़ी बाहर जाके भी किया हूँ। और फ़िलहाल यहाँ पे नहीं रहता है, रेंट वेंट पे दिया हुआ है, कुछ कुछ लोग रहते हैं यहाँ पे। तो ये रही मेरी होम टूर, स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज सुबह सुबह मैं आया हूँ, तो यहाँ अपनी छत पे से स्टार्ट कर रहा हूँ इस ब्लॉग को, और ये दिखा ही चुका हूँ। तो चलते हैं, आज कहाँ कहाँ जाते हैं और कहाँ क्या क्या दिखा पाते हैं। निकलना भी आज ही है, तो कहाँ कहाँ चलना है? चलेंगे मोहम्मदगंज, मोहम्मदगंज। टाइम तो है नहीं, देखते जा पाते हैं कि नहीं। मेरा बचपन का दोस्त मेरे से मिलने आया है, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है, जो आप लोग देखे होंगे मेरे ब्लॉग में इसको। और ये पूरा है, काफ़ी यहाँ पे मस्ती हो, में काफ़ी भीड़ हुआ करते थे कुछ 10-20 साल पहले। और ये आप लोग का जो ऊपर से दिख रहा है, नीचे का सीन जो आप लोग को दिखा चुके हैं, पूरा पता नहीं क्या क्या हो गया है। और ये पूरा है, और ये रहा पूरा जगह। घर के सामने देखिए मस्जिद है एक, बहुत लंबा, देखिए किस तरह से बना हुआ है। और ये बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन चुके हैं। हम लोग का घर नहीं रहने के कारण छोटा सा है जगह। और यहाँ से आप लोग को दिखाते हैं कितना बड़ा आंगन दिखता है। ये देखिए इतना बड़ा आंगन दिखता है हम लोग का। कचरा ज़्यादा है तो ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि साफ सफाई होता तो ज़्यादा अच्छा लगता देखने में। और बगल में भी ये घर है, और भी घर, ये भी रूम है बट बन नहीं पाया है, इस वजह से ऐसे है पूरा। Winter's here, the snow is falling on our car as we drive for miles to that little town called home. Hands from every corner of the house, the Christmas lights shine bright through the cold. पुराना घर है तो इसके मामले में कुछ बोल नहीं सकते, यहाँ पे अंधेरा है। और ये ऊपर खपड़ा का है, इसको अब एक ये रूम हो गया, काफ़ी गंदा है और बहुत दिन से पड़ा हुआ है, तो इसके मामले में कुछ बोल नहीं सकते हैं। ये पूरा घर है, ये रूम काफ़ी गंदा है, सर सफाई हम करवाएंगे अभी, बट ये है कुछ इस तरह का रूम। और आप, ये मेरा बचपन का घर, बचपन की सब चीज़ें, ये सब कुछ है इस तरह का। यहाँ पहले हम लोग का किचन हुआ करता था, और यहाँ पे चूल्हा हुआ करता था, सब चीज़ यहाँ पे, हर चीज़ है। अभी सब बंद पड़ा रहता है तो कुछ है नहीं, बचपन यहीं पे बीता हुआ है। और काफ़ी शान अच्छा जगह है। ये रहा कुछ अलग से है दरवाज़ा, रूम ही रूम है, अलग है बहुत सारे, खोलते हैं। लो हाँ, ये देखिए, ये मेरा है छोटा सा बगीचा। और ये काफ़ी काफ़ी है, पेड़ पौधा लगा हुआ, सर सफाई कोई नहीं रहता इस वजह से है। यहाँ पे एक छोटा सा चापाकल है यहाँ पे, और काफ़ी सर सफाई की ज़रूरत है, मजदूर लगाना पड़ेगा फिर सर सफाई होगी। तो ये सब है, इतने दूर तक है। ये देखिए, और ये बड़ा सा आंगन, ये ढाबा, ये पूरा है, ये चक्री पहले ज़माने का, इसमें हम बहुत सारा जो भी होता है धुसका उसका के लिए हम इसमें हम किए हुए हैं। हाँ, यहाँ पे सब चीज़ है, ये भी है, यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर सोते थे। ये रहा, अभी भी सर सफाई सब जगह की ज़रूरत है, सर सफाई की डिमांड है। और ये है मेरा गांव, इस तरह से दिखता है गांव, काफ़ी गुजारे हैं यहाँ पे बचपन।
हैं अभी पे जो स्कूल में हम पढ़े थे उसके जस्ट सामने, और वो रही मेरा स्कूल जिसमें हम पढ़े थे, वो है स्कूल। और यहाँ पे एक घर बना हुआ है, घर नहीं गोदाम बना हुआ है, बस बड़ा मस्त है। और चारों तरफ यहाँ हरियाली हरियाली है, काफ़ी अच्छा दृश्य है। और देखिए, और ये काफ़ी मस्त बनाया हुआ है इस टाइप से, दिखाते हैं आप लोग को नीचे जाके कैसा बना है कैसा नहीं। ये रहा मेरा दोस्त का घर दुकान, और काफ़ी शानदार है जो तरीका से बनाया गया है। और ये अगल बगल बीच में रास्ता है, ये अगल बगल दुकान है, काफ़ी शानदार है दुकान। और ये दुकान, पूरा दुकान ही दुकान है, पूरा अंदर तक मस्त जगह है। तो और ये रहा लैट्रिन बाथरूम बनाया गया है, और ये रहा गोदाम, मस्त हॉल टाइप से बनाया गया है, पूरा मस्त है नज़ारा आपका ये। और ये देखिए मस्त है, ऐसे मेरे को भी बनाना है आने वाले टाइम में, बना सकते हैं इस टाइप से है, दिखाने लाया था दोस्त। तो ये हैं, घर से निकल चुके हैं और कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। तो अब हम लोग पहुँचे हुए हैं, एक पर्यटकल स्थल है ये, है यहाँ पे भीम चूल्हा के नाम से आपका, और मेरे ही में है ये चीज़, तो देखने आए हुए हैं दोस्तों के साथ। तो ये है पर्यटकल स्थल, और देखते हैं कहाँ कहाँ, बहुत सुंदर नज़ारा है। घूमते घूमते यहाँ पे आ गए हैं, और ये देखिए, ये देखिए नज़ारा, बहुत खूबसूरत नज़ारा है और बहुत शानदार है। ये देखिए चिन्ह है माता गुमती का, देखिए यहाँ पे किन किन लोगों का है, घोड़ा पद का चिन्ह है ये, पता नहीं ये चिन्ह कैसे बन गया, और पता नहीं ये नकुल का पद चिन्ह है लिखा हुआ है यहाँ पे, पता नहीं किस आधार पे ये बनाया गया है। अरे अर्जुन का पद चिन्ह है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि किस आधार पे ऐसा बनाया गया है। और ये रहा मंदिर, हनुमान जी का है, और ये खूबसूरत दृश्य तो देख ही रहे हैं, पहाड़ बीचों बीच ये नाव भी चल रहा है। शर्मा कह रहे हैं, बताइए बताइए, हमको कुछ कहना नहीं है, कुछ कुछ कहना था आपको, बताइए कुछ कहना, बताइए क्या क्या कहना था हमको, क्या कहना रहेगा, बोलिए बोलिए, कुछ 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 कहना था, क्या कहना, यही कि आप शादी के बाद बहुत बदल गए हैं। अच्छा, पहले जैसे नहीं रहे। अच्छा, पहले जैसे हंसी मजाक नहीं कर पा रहे हैं आप, इतना दबाव में किसके हैं? नहीं नहीं, हम दबाव में तो है ये नहीं है, आज तक रहे नहीं किए हैं, प्रॉब्लम तो यही है, कुछ कुछ बदले बदले लग रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको शिकायत है वो बताइए। डबल नहीं, ट्रिपल फोर सब रहता था। ट्रिपल फोर का आप और हम अकेले दे रहे हैं। ट्रिपल फोर रहता का था, आपको नहीं समझ में आ रहा है। कटैया भी है जो आप भेजे थे हमको। एक दिन लगाया अपना फोटो ना, एक कौन सी तालाब था, डोभा, डोभा फिर जाके फोटो खिंचवा के हम किया है, रिश्ता क्या जमाना है, चला हम लोग तालाब के नीचे, हम मैंने एक मान लिया गुरु ने मान बैठ के दुनिया में ऐसे सारा मल ताड़ते थे, देखते थे कुछ मैंने हमारा लगा वो कर लग, दोनों बगल में साथ बैठ के। अच्छा, असल ये अकेले जाके खिंचवा रहा है फोटो, कैसा लगेगा क्या सब कर दिए साले मेरे लिए, तुम इतना नहीं, तुम अनुपा अनुपा दिन रात करते रहता है। कौन बोलता है इसे, चंदन, चंदन चंदन बोलता है ना, मेरे से जलता है ना, तेरे से जलता है, साइड से जो तुम्हारा पत्थर है
और इसी यही चूल्हा भीम जी का, भीम चूल्हा बोलते हैं। नहीं ये देखिए गाइस, इसको भीम चूल्हा बोलते हैं। और वहाँ पे बहुत बड़ा सा कड़ाही रखा हुआ है, ये देखिए बड़ा सा कड़ाही। यहाँ हनुमान जी का मूर्ति पतालपुरी, ये तो है भीम चूल्हा। तो ये मंदिर के लगभग साइड में महाभारत के पांच पात्र, भीम, पांच पांडव, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और कुंती, यार ये पूरा पार्क है। चलो उधर चलते हैं, उधर साइड। ये दृश्य काफ़ी शानदार है और काफ़ी अच्छा है। पार्क भी थोड़ा सा है, हवा भी मध्यम मध्यम भद्र चल रहा है। बहुत लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स भी करते हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत भी है, तो छोटा जगह के लिए काफ़ी अच्छा है कि नहीं? देखिए पार्क, आगे ट्रैकिंग मोड पे पहाड़ चढ़ने की तैयारी हो रही है, चढ़ा भी जा रहा है। ये देखिए लंबा पहाड़ तो चढ़ना है। बाबू कहाँ ले जा रहा है, कितना दूर जाना है, ये रहा दृश्य। ये नदी के वजह से जानते हो बहुत खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। ये पहाड़ ऊपर से कितना शानदार नज़ारा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। बीच में मंदिर और इधर से पूरा नदी और ये झकास पहाड़ों के बीचों बीच, और ये बहुत सारा पहाड़ है ऊपर से। और इस नदी में नाव वगैरह सब बढ़ता है, सब अच्छा रहता है। ये देखिए मेरा दोस्त कहाँ चढ़ चुका है, ये देखिए ये और ऊपर, और ऊपर ना लो जगह। तो अब हम लोग घूम फिर के आ चुके हैं और होटल में बैठे हुए हैं, खा रहे हैं कुछ कुछ है मेरे दोस्त लोग। ये दोस्त सबको जानते हैं, आपको लगभग अभी तक कोई देखा नहीं है, पहली बार ये ब्लॉग में मेरे शामिल हो रहा है, तो इसके तरफ से पार्टी है। तो अब हम लोग निकल चुके हैं, घर से निकल चुके, स्टेशन भी पहुंच चुके हैं। अब ट्रेन आने वाली है, शाम के लगभग में 6 बज चुके हैं। ये रही स्टेशन, अब ट्रेन आ चुकी है और ट्रेन पे मैं बैठ भी गया अच्छे से। और आप लोग को कैसा लगा मेरा विलेज, कैसा रहा मेरा टूर, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।